क्वेश्चन नंबर 9 है शॉर्ट में. एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट एट. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. और दूसरा पार्ट इसका है एक्स फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स रेस टू द पावर वन बाई एक्स रेस टू द पावर फोर. इसका ये बोलते हैं ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है. इसमें देखिए कि आपको दिख रहा है कि यहाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है और यहाँ एक्स पे स्क्वायर लग गया है और यहाँ अभी भी एक्स पे स्क्वायर लग गया है ना. तो ऐसी कंडीशन जब भी हो सकती है जब हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, और जब भी एक तरफ दोनों में से एक तरफ किसी भी रूट लगा हो तो आपको पहला स्टेप यही याद रखना है देख के, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है. देखिए कैसे करेंगे. हमने सम उतार लिया पहले, दिख रहा है आपको है ना, दिख रहा है. तो ये इक्वेशन है हमारी है ना, तो इसको हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. आप पूरी इक्वेशन फिर से उतारिएगा. अब सॉल्यूशन पहला वाला पार्ट का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं. इसमें क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन वन में ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. इन इक्वेशन वन हमारी ठीक है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट एट है ना, ये इक्वेशन थी. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब है कि इधर भी होल स्क्वायर लगा दो इधर भी होल स्क्वायर लगा दो. इन सारे सवालों का जब भी इस तरह के सवाल हो हमेशा यही करना है हमेशा ठीक है. थोड़ा सा किसी किसी में डिफरेंट हो सकता है वैल्यूज दी हूँ उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, लॉजिक यही है. अब आपको दिख रहा है ये ए हो गया, ये प्लस ये बी हो गया, बी वन अपॉन फॉर्म में दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस टू इंटू ए इंटू बी. ये ए हो गया ये बी हो गया ना, बराबर रूट एट का स्क्वायर कितना होगा. आपको पता है मैथ में किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगाओ और उसका होल स्क्वायर हो स्क्वायर से रूट कट जाता है ना. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं भाई रूट एट है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये है रूट एट इंटू रूट एट, मतलब रूट एट को दो बार मल्टीप्लाई करो. अब एट एट दा 64 रूट 64 हो जाएगा ना, रूट 64 और रूट 64 की वैल्यू होती है 8, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है. या ऐसे याद रखिए जब भी सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है और एक बार नंबर लिख देते हैं ठीक है. या ऐसे याद रखो स्क्वायर से रूट कट जाता है 8 लिख देंगे डायरेक्ट ठीक है. तो जो भी याद रहे आपको वो कर सकते हैं. तो स्क्वायर से रूट कट गया लेकिन काट के नहीं दिखाइएगा, डायरेक्ट बस इसकी जगह 8 लिख दिया क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया है. रूट का मतलब ही होता है 1/2 भाई, 8 का रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2 और इसकी भी पावर 2 है तो ये 2 से 2 कट जाता है इसलिए रूट से स्क्वायर कट जाता है ठीक है. तो ये आप रफ में चेक करके दिखा दिए चाहे ना दिखाइए कोई दिक्कत नहीं. आपके पास ये आ गया. अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 × 1 = 1 और एक्स का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर इस पर भी है नीचे भी ऊपर भी है ना और नीचे भी है एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया ठीक है. अब यहाँ पर दोनों के एक्स के बीच में देखिए मल्टीप्लाई का निशान लगाए तो ये कट गया. यहाँ ये एक्स और ये एक्स नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ बीच में प्लस या माइनस होता है तो नहीं कटता है, मल्टीप्लाई होता है तो एक्स से एक्स कट जाता है ठीक है बीच में मल्टीप्लाई उन दोनों के. तो ये जब कट गया तो ये हमारे पास होता है एक्स वन दा एक्स ना, 2 × 2 = 2 × 2 तो 2 ही बचा इक्वल टू हमारे पास 8 बचा है ठीक है. अब हमें देखिए वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी. ये देखिए पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये बीच में पढ़ रहा है तो इसको उधर भेज देंगे, ये इसका भाई है ना कांस्टेंट कांस्टेंट का भाई होता है. तो ये 8 लिखा था ये 2 इधर प्लस में है उधर जाएगा -2 हो गया और इधर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चुपचाप जो बचा था वो लिख दिया ठीक है. अब 8 में से 2 गया 6 बचा तो हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 6. हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, हमें ये निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू है ना ये देखिए ठीक है. तो एक बार फिर से देख लिए, रिव्यू करा दें भाई. ये इक्वेशन दी थी ना, हमें ये निकालना था पहला पार्ट. हमें जब भी बताया जब एक तरफ रूट लगाओ तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इधर वाले ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा. कभी यहाँ माइनस लगाओगे तो ये माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बाद में भी कर सकते हैं ना. तो यहाँ 2 बचा उसको उधर भेज दिया और आपका आंसर आ गया. लेकिन हमारा दूसरा पार्ट है एक्स फोर वन अपॉन एक्स फोर. तो अब आप देखिए
ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको हम फोर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जब इसका भी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, है ना। तो हमें अब वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स फोर एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स रेस टू द पावर फोर, इसकी वैल्यू निकालनी है ना दूसरा पार्ट में। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लें, ठीक है। लिखेंगे स्क्वायरिंग, फिर से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हमने उतारी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर सिक्स, है ना। अब इसमें स्क्वायरिंग करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर पूरे में लगा दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हाँ, अब जब इस ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, भला ही इसमें स्क्वायर लगा उसको इग्नोर करो, ठीक है। इस पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि ए ये हो गया, अब इसका भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अब ये बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है इंटू बी की वैल्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बराबर सिक्स का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर टू टू द फोर, एक्स की पावर फोर हो गया, बस वन का स्क्वायर वन ही होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स टू टू द फोर प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, टू वन द टू, ठीक है। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लगा तभी कटा, प्लस होता है बीच में तो नहीं कटता, ऐसे ये इससे ये नहीं कट सकता कभी, टू वन